चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.6 को। एक्टिविटी 1.6 में हमें कहा गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टॉंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 15। तो फ्रेंड, ये जो लीड नाइट्रेट पाउडर है जो कि हम लोग लेने वाले इस एक्टिविटी में, तो वो होती है व्हाइट कलर की। और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो दो ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे रेड फ्यूम्स नजर आएंगी इस टेस्ट ट्यूब से बाहर आते हुए, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। और सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये होगा कि ये जो हम लोगों ने व्हाइट कलर की लीड नाइट्रेट पाउडर ली थी, उसका कलर चेंज होके वो अभी हो गई है येलो कलर की। तो यहाँ पे हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो रेड कलर की जो फ्यूम्स उसमें से आ रही है उस टेस्ट ट्यूब में से, तो वो आ रही है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो व्हाइट कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है अभी वो सब्सटेंस, तो ये है यहाँ पे नया सब्सटेंस बना हुआ, वो है लीड ऑक्साइड, है ना, PbO2। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए इस रिएक्शंस को समराइज करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हमारे ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पंजेंट स्मेलिंग ब्राउन फ्यूम्स, है ना, उसका स्मेल भी यहाँ पे नोट कीजिए, पंजेंट स्मेलिंग। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कलर चेंज भी देख सकते हैं। तो कलर चेंज होंगे कुछ इस तरीके से कि जो लीड नाइट्रेट है हमारा व्हाइट कलर का, वो हमें मिल जाएगा येलो कलर के पाउडर में, या क्योंकि यहाँ पे लीड ऑक्साइड बन रहा है। और जो ब्राउन फ्यूम्स हम लोग देख रहे हैं रेड कलर की, तो वो होगी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना। तो ये होगी ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी ये जो सिंगल रिएक्टेंट है लीड नाइट्रेट, वो डिकम्पोज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो आई होप ये रिएक्शन और इसमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गए हैं। रिपीटेड वंस अगेन, ऑब्जर्वेशंस हो गए दो, व्हाइट कलर की पाउडर कन्वर्ट हो रही है येलो कलर में, यानी कि लीड नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है लीड ऑक्साइड में। ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी नजर आ रही है, तो वो होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि वही एक्टिविटी की यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है। हमें पूछा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये होगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल जो रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा डिकम्पोजिशन। बेटर आंसर के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन प्लीज आप लोग लिखिए। सेकेंड, राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ टू रिप्रेजेंट द अबव चेंज। सो फ्रेंड, लीड नाइट्रेट ले रहे हैं हम लोग, PbNO3 ट्वाइस, इसको हीट करके लीड ऑक्साइड बन रहा है PbO, और उसके बाद में नाइट्रोजन गैस भी बन रहा है NO2, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट हो रहा है। इसको जब आप लोग बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से कोएफिशिएंट देख सकते हो, 2 लीड नाइट्रेट 2 PbO, है ना, 4 NO2, इस तरीके से आप लोग इसको बैलेंस करोगे, जस्ट लाइक दिस रिएक्शन। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व इन द अबव इक्वेशन। तो इस रिएक्शन में दो गैस इवॉल्व होते हैं, तो ये ब्राउन कलर का तो हमें याद आता है कि यस, ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस भी वहां पे इवॉल्व हो रहा है। प्लीज नोट दिस थिंग केयरफुली। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज इन द अबव रिएक्शन? सो हाँ, बिल्कुल कलर चेंज हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट से येलो जो सब्सटेंस है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीड ऑक्साइड। प्लीज नोट दिस थिंग। नेम द कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म। तो ये जो कलर्ड सब्सटेंस है वो है यहाँ पे लीड ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लीड ऑक्साइड है विच इज येलो कलर्ड। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे हमें कहा गया है कि अ व्हाइट कंपाउंड है ना ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स। तो फ्रेंड देखिए, इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में तो कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ उसको हीट करने से रेड ब्राउन फ्यूम्स आ रही है। तो इससे ही समझ जाइए कि ये लीड नाइट्रेट का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये कंपाउंड क्या होगा? फिर ये होगा लीड नाइट्रेट, है ना, PbNO3 ट्वाइस। तो ये होगा हमारा कंपाउंड एंड येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि लीड ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। सो नेम द कंपाउंड, तो वो कंपाउंड होगा लीड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 ट्वाइस। फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन, तो ये हो रहा है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। ये हमारा लीड नाइट्रेट थर्मल से डिकम्पोज हो रहा है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में, और यहां से उसका कलर चेंज हो रहा है From white to yellow, okay? और ये जो fumes आ रहे हैं यहाँ पे brown color की, हमें यहाँ पे fumes मिल रही है and it is thermal decomposition reaction। I hope ये reaction भी आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई है।